بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد घरों की आबादी किस चीज़ से होती है, घर किस चीज़ से आबाद होंगे, घर के अंदर बरकतें कैसे आएंगी, घर के अंदर परेशानियां कैसे ख़त्म होंगी। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में दो बातें हमें इरशाद फरमाई और फरमाया कि इन दोनों बातों पर अमल कर लो, तुम्हारे घर खुद ब खुद आबाद हो जाएंगे, घरों के अंदर बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। आपने फरमाया अलबैत अल्लज़ी लैसा फ़ीहिल क़ुरआन कलबैतिल ख़रीब। पहली बात फरमाई कि वो घर के जिसके अंदर क़ुरान की तिलावत ना होती हो वो उजड़े हुए घर की तरह है, उस घर के अंदर बरकतें नहीं आ सकती। दूसरी बात फरमाई सल्लू फ़ी बुयूतिकुम वला तजअलूहा क़ुबूरा। अपने घरों में नमाज़ें कुछ ना कुछ पढ़ लिया करो, कुछ सुन्नतें कुछ नफिल नमाज मर्द घर के अंदर पढ़ लिया करें। वला तजअलूहा क़ुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। कुछ ना कुछ नफली नमाज़ें और सुन्नतें, ख़ुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत मुबारक थी कि आप घर के अंदर सुन्नत और नवाफिल का अहतमाम किया करते थे। तो फरमाया कि वला तजअलूहा क़ुबूरा, इसे कब्रिस्तान मत बनाओ। आप हज़रात तवज्जो फरमाएं कि जब घर के अंदर तिलावत और नफिल नमाज़ें और सुन्नतों का अहतमाम होगा तो एक ग़ैबी ताकत उस तरफ मुतवज्जे हो जाएगी, और वो ग़ैबी ताकत है कि अल्लाह के फ़रिश्ते उस घर की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, और जिस घर में फ़रिश्ते आ जाएं तो बताएं कि फिर उस घर के अंदर बरकतें कैसे नहीं आएंगी। और अगर घर के अंदर तिलावत और नफली नमाज़ों का अहतमाम ना हो तो उस सूरत में एक और ताकत मुतवज्जे होती है जिसे हम जिन्नात और शयातीन के नाम से याद करते हैं, और जिन्नात और शयातीन जिस घर में बसेरा डालेंगे तो बताइए उस घर के अंदर फिर आबादी कैसे होगी। उस घर के अंदर जब शैतान और जिन्नात का बसेरा होगा तो ज़ाहिर है उस घर के अंदर लड़ाइयाँ ही जन्म लेंगी, उस घर के अंदर बेसुकूनी ही जन्म लेंगी। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात हमें इरशाद फरमाई, फरमाया कि एक तो घर के अंदर तिलावत का अहतमाम हो और दूसरे नंबर पर घर के अंदर मर्द हजरात कुछ सुन्नतें और नवाफिल का अहतमाम करें। आप हजरात गौर कीजिए, हम जब घर की तामीर करते हैं तो घर की तामीर करते वक़्त हम अपने नक्शे में कहते हैं कि ये जो कमरा है, ये जो लाउंज है, ये टीवी लाउंज है, ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, हर चीज़ का हम नाम दे देते हैं। क्या ही खूबसूरत बात एक शख्स ने कही, एक आलिम ने फरमाया कि अगर हम घर के किसी एक कमरे को मस्जिद का नाम दे दें और उस कमरे के अंदर मुसल्ले बिछे हुए हों, उस कमरे के अंदर कुरान मजीद रखे हुए हों और उसी कमरे के अंदर सुन्नतों का और नवाफिल का अहतमाम किया जाए, जिसे घर की मस्जिद का नाम दिया जाए, ख्वातीन अपने फ़राइज़ का अहतमाम करें, मर्द हजरात अपने सुन्नतों और नवाफिल का और तिलावत कुरान का अहतमाम करें, तो इसका असर घर के तमाम बच्चों पर भी होगा। आपने कभी गौर किया कि आप में से कोई बंदा अगर घर के अंदर रूटीन के मुताबिक सुन्नतें पढ़ने लग जाता है तो जो छोटा 2 साल का बच्चा होता है वो भी बाप के करीब आकर मुसल्ला बिछा के खड़ा होता है, और जैसे बाप कर रहा होता है ये भी इसी तरह अपनी बाप की तरह तर्ज अमल इख्तियार करता है, इसलिए कि बड़ों का असर वो बच्चों में मुंतकिल हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलादें दीन की तरफ आएँ, हमारी औलादें कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाएँ, हमारी औलादें नमाज़ों का अहतमाम करने वाली बन जाएँ, तो उसके लिए पहले आपको भी एक कदम उठाना होगा और आपको अपने घर के अंदर जो है वो इन दोनों बातों का अहतमाम करना होगा। घर के अंदर तिलावत कुरान का अहतमाम करना होगा, चाहे वो रमज़ान हो चाहे वो रमज़ान के अलावा हो, कुरान की तिलावत सारा साल होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर घर के अंदर सुन्नतों का और नवाफिल का हमें अहतमाम करना होगा। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब के घरों को आबाद फरमाए, हम सब के घरों में इत्तेफाक नसीब फरमाए।
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.